वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रिस्पी और करारी पिनव्हील मठरी बनाएंगे, वो भी गेहूं के आटे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी क्रश करके, एक छोटा चम्मच अजवाइन को भी खैनी की तरह घिस के इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मोइन के लिए एक चम्मच सॉफ्ट घी या दो चम्मच पिघला हुआ घी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मोइन की वजह से हमारा आटा ऐसे बंधने लगा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और टाइट आटा गूंद लेंगे। इसे टाइट ही गूंदना है, सॉफ्ट नहीं गूंदना है। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए एक कटोरी आटे में सिर्फ आधा कटोरी पानी लगा है। 15 मिनट के बाद फिर से आटे को एक बार गूंद के चार हिस्सों में बांट लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, इसमें सूखा आटा लगा के पतला पतला बेल लेंगे। बस पतला बेलना है, शेप का कोई मतलब नहीं है इसमें, आप आड़ा टेढ़ा भी बेल सकते हैं। अब इसमें तेल लगाएंगे, यहाँ पे घी नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है, तेल का यूज़ करना है। इस पर थोड़ा सा सूखा हुआ आटा छिड़केंगे। अब इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ चाट मसाला और लाल मिर्च का पाउडर छिड़क रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें और इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इसे धीरे धीरे से एक साइड से रोल करेंगे, इसे टाइटली रोल कर लेंगे। अब इसे इस तरह से एक एक इंच का कट कर लेंगे, छोटा छोटा सा। अब इसे उंगली से इस तरह से चपटा कर लेंगे और हमारा राउंड डिश में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है ताकि पिनव्हील की तरह लुक आए। अब इसे पतला पतला बेल लेंगे, सारे पीसेस को ऐसे ही पतला पतला बेल लेंगे और साइड की जो मैंने छोटी पीसेस निकाली थी उसका छोटा छोटा बना लेंगे। तो देखिए हमारी इतनी सारी मठरियाँ बन गई और साइड से जो मैंने कट किया था उससे भी हमारी छोटी छोटी मठरी बन चुकी है। बस अब इसे फ्राई कर लेंगे। एक बार तेल को हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। मीडियम लो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसे ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनेगी और इसे ज़्यादा टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे ज़्यादा करारी नहीं बनेगी। बस हमारी आटे की कुरकुरी मठरी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाइए, मेहमानों को खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें।